तो इसमें क्वेश्चन आता है किससे मेजर किया जाता है, आंसर जाएगा साकिट टेप होती है, साकिट टेप से इसको मेजर है किया जाता है। इसमें भी आपके साकिट टेप में तीन कलर के कलर कोडिंग आपको देखने को मिलेगा। एक होता है रेड, रेड का मतलब है पर्सन कैसा है, जिसमें एमयूएसी बच्चे का क्या देखने को मिल रहा है, एमयूएसी लेस देन है 11.5 से कम देखने को मिल रहा है, तो ये बच्चा कैसा है माल नरिश देखने को मिलेगा। इसमें क्या है पर्सन में माल नरिश्ड या माल न्यूट्रिशन है देखने को मिल रहा है। बात करें आपका तो कौन सा कलर होगा, रेड कलर देखने को मिलेगा, इनके बीच में आता है येलो कलर है, येलो कलर में क्या होता है 11.5 से लेकर के 12.5 है, तो इसका मतलब है ये आपका कैसा है बीच वाले सिचुएशन में है। बात करते हैं अगर मोर देन आपका 12.5 से ज्यादा आता है तो उसको दिया जाता है ग्रीन कलर कोड दिया जाएगा, और ग्रीन है इसका मतलब है पर्सन कैसा है नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है, या पर्सन कैसा है बच्चा कैसा है हेल्थी देखने को मिल रहा है, हेल्दी है या इसे ही आप कह सकते हैं नॉर्मल देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार है पूछे जाते हैं। तो रेड येलो और ग्रीन है, रेड का मतलब है खतरे का निशान, और खतरे का निशान कब है बच्चा जब आपका माल न्यूट्रिशन में होगा, ग्रीन है मतलब हरी झंडी है आप चल सकते हैं, इसका मतलब होता है कि आपका जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है न्यूबोर्न का कितने से ज्यादा है 12.5 से ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये आपका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है जो कि किसको बताता है न्यूट्रिशनल है के बारे में बताता है। अगर बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता करना है, माल न्यूट्रिशन का पता करना है, तो एमयूएसी का यूज किया जाएगा। लेकिन